तो ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है, मैं लेट हो गया था, लेकिन ट्रेन अभी 15 मिनट रुकेगी यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेगी। अभी भी अपना बैग पैक करो, कभी भी, आज शाम को ही निकलना है और मेरा बैग अभी तक पैक नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि कल शाम को ही ऑफिस से वापस आने के बाद पैकिंग कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन अपन बाकी के काम करने में लग गए और बैग की पैकिंग हो नहीं पाई। तो अभी पैकिंग कर लेता हूँ ताकि वापस आऊँ ऑफिस से, तो आराम से अपन ट्रेन पकड़ के शाम को जा सके जहाँ अपने को जाना है। और अभी तक अगर आपने गैस नहीं किया तो एक और हिंट देता हूँ, इट इज़ काइंड ऑफ अ मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटीज में तो आप सेलेक्ट कर ही सकते हो कि कौन सी मेट्रो सिटी जा रहा होगा जो यहाँ से 8-10 घंटे दूर है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से कौन सी जगह मैं जा रहा हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है अप्रैल और मेरे 90 डेज ब्लॉग चैलेंज का डे 74 है आज, और मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, बहुत खास आदमी से, हमारा जिगर के टुकड़े से मिलने जा रहा हूँ। और जिससे मिलने जा रहा हूँ उसके लिए सारा सामान लेके जा रहा हूँ, और भी कुछ कुछ है इसमें, तो वो आपको आगे पता चलेगा कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। और सामान के बारे में तो अपन ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाएंगे, दवाइयाँ हैं कुछ ऐसे नॉर्मल यूज़ की चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं। सबसे मेन बात कि आज रात को करेक्ट 8 बजे ट्रेन है, रात को या शाम को जो समझना है समझ ले। और मैं सोच रहा हूँ ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा, और ब्लॉग वगैरह भी एडिट करना है तो वो भी करके शेड्यूल करना पड़ेगा ताकि मैं फ्री माइंडेड होकर ट्रैवल कर सकूं। और आगे के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मैं चालू करता हूं अपनी पैकिंग। तो ये जमावड़ा देख के लग रहा है कि पैकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा हूं पहले नहा धो लेता हूं ताकि अगर पैकिंग करने में लेट भी हुआ तो मैं ऑफिस टाइम पे जा सकूं और वापस आके बाकी बची कुची पैकिंग अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो मार के मुंह पर तौलिया, मैंने नहा धो लिया। क्या आपने कभी इस टाइप के सब्जी वाले भैया देखे हैं, बाइक के पीछे ट्रॉली लगा के मस्त घूम घूम के सब्जी बेच रहे? अगर देखे हैं तो कमेंट में बताएं, नहीं देखे हैं तो भी बताएं। तो क्योंकि आज मैंने थोड़ा फास्ट सर्विस दिया इसलिए नीचे वाले छत पे अभी तक धूप नहीं आई है, तो इसलिए मैं ऊपर वाले छत पे आया हूं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो जी, एक लोटा जल का काम मेरा रोज का। यहां तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आप कभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूं डेली चढ़ाऊं। वैसे आज बाहर जा रहा हूं तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन या 3 दिन तक नहीं चढ़ा पाएं। वैसे मेरा जो ट्रिप है छोटा सा, ये 3 से 4 दिन का है। तो क्योंकि अभी रोजी आंटी पूजा कर रही है तो मैं तब तक अपना सामान समेट रहा हूँ कि क्या क्या लेके जाना है। ये रही कुछ वैरायटी, टी शर्ट दे, चड्डे दे, लोअर दे, नैपकिन। तो मैं अपना सारा सामान पैक कर रहा हूँ बस ये वाले बैग में, अपन एक ही बैग लेके जाएंगे क्योंकि 3-4 दिन का ही ट्रिप है। तो ज़्यादा नहीं, 2 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, थोड़ा एक टी शर्ट एक्स्ट्रा, जीन्स एक और एक पहन के जाएंगे, एंड लोअर जो यूज़ में आएगा। और आपको बता दूँ कि ये बैग मेरे गर्लफ्रेंड ने दिया है। क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने कभी आपको बैग गिफ्ट दिया है? हालांकि वो मेरी एक्स है, उसकी शादी हो चुकी। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे ये सच था, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। तो मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस इसमें टॉवल रखना है जो कि मैं अभी नहा के यूज किया हूँ तो छत पे सूख रहा है, और मैं इसी नाम के व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, इसी नाम के व्यक्ति से। झोले पे उसी बंदे का नाम लिखा है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ, और वो झोला भर के सामान भी उसी को देना है। तो अब बच चुके हैं 10, मैं हो रहा हूँ लेट, और बस वापस आके टॉवल रखना है और फिर निकलना है। अभी चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, कपड़े चेंज करना है और फिर ब्रंच करना है। तो पूजा पाठ हो गई, क्रीम पाउडर तेल भी पोत लिया, अब चेंज करने हैं कपड़े ऑफिस जाने के लिए। हेलो जी, चेंज हो गया, साडा होलिया लगाते हैं थोड़ा डिओडोरेंट और चलते हैं ऑफिस। एक चीज रह गई, पेट पूजा बिना खाए पिए कैसे हो पाएगा? रघुवंशी तो बिना खाए पिए नहीं रह पाएगा, अजीत इसका पता नहीं। तो मासी ने मेरा प्लेट लगा दिया, बस प्लेट में चीजें आने बाकी हैं, दही आएगा, भिंडी की सब्जी आएगी एंड रोटी आएंगी। तो खाते हैं और सीधा ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं और ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं। तो अब मुलाकात होगी शाम को 4:30 या 5 बजे के आसपास, क्योंकि कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी आ जाऊं क्योंकि थोड़ा आगे कुछ पैकिंग वैकिंग करनी है और जल्दी से निकलना है। तो टाइम निकलते जा रहा है, क्या आपने अभी तक गेस किया कि मैं कहां जा रहा हूं? इतने सारे हिंट दे चुके मैंने। तो 5:30 बज चुके हैं, मैं आ चुका हूं घर वापस, 8 बजे की मेरी ट्रेन है, मेरे पास बस 2.5 घंटे बचे हैं, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हैं और निकलते हैं। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, 6 बजने वाले हैं, और छोटे मोटे कुछ कुछ काम कंप्लीट करने और उसके बाद अपन निकलेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। पैक ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बस टॉवल रखना बचा है। तो मैं जहाँ जाने वाला हूँ, जाने के लिए गूगल दीदी मुझे दे रही है दवाइयाँ, ये मेरे काम नहीं आएंगी, किसी और के आएंगी। किसके आएंगी वो आपको कल पता चलेगा शायद। और अभी मैं खाने जा रहा हूँ मैगी, हम मैगी खाती चुपचाप ट्रेन पकड़ के यहाँ से जाती। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आपको मैगी पसंद है। तो मासी मेरे लिए बना रही है आलू के पराठे, और ये आलू के पराठे मैं ट्रेन में लेके जाऊंगा, वहीं पे खाऊंगा। केला जा रहा हूँ ट्रेन में, माखन लाल अकेला MLA, कितने पराठे खाऊंगा मैं? इतने में पूरी ट्रेन को थोड़ा गिनाना है। खिली जी, हमारी मासी ने दिया है, एक 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 चखिए, पूरी भोगी खिला दूंगा। तो पराठे ऊपर बन रहे हैं और टाइम हो गया है लगभग 7:45, तो जस्ट थोड़ा सा ही टाइम है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो मिनी ब्लॉग पे वॉइस ओवर करना चाहता हूँ जल्दी से कर लूँ ताकि अपन थोड़ा टेंशन फ्री होकर ट्रैवल कर सके। तो मेरा सर बहुत दुख रहा था इसलिए मैंने डिस्प्रिन खा लिया ताकि सर दर्द ठीक हो जाए, और टाइम हो गया निकलने का, 7:40 हो चुके हैं, 8 बजे की ट्रेन है, खटाक से पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन।
और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद है या प्लेन में। तो मेरा सी ऑफ हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ निकल रहा हूँ ये आपको कल पता चल जाएगा। ये वही बैग है जो मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था, गूगल दीदी जिसका मजाक उड़ाती है, नाम हम नहीं लेंगे। तो सबका आशीर्वाद ले लिया, निकलते हैं, मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। बाय 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 बाय। हाँ, सबकी बद्दुआ लग गई। तो मैं पहुंच चुका हूँ भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन। मेरी ट्रेन है 8 बजे, 7:52 हो रहे हैं, अपन ऑन द टाइम है। तो ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है, मैं लेट हो गया था, लेकिन ट्रेन अभी 15 मिनट रुकेगी यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेगी। अपनी बोगी पीछे तरफ है, अपन पीछे जा रहे हैं, बोगी में बैठते फिर आगे निकलेंगे। तो मेरी ट्रेन पीछे खड़ी है, मैं पकड़ूंगा और निकलूंगा यहाँ से जहाँ मुझे जाना है। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। मिनी व्लॉग के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को। गुड नाइट, स्लीप टाइट। 90 डेज व्लॉग चैलेंज का डे 74 कंप्लीट।